आज पिताजी की दसवीं पुण्यतिथि है। मृत्यु दिन को पुण्यतिथि इसलिए कहते हैं कि ऐसी अपेक्षा है कि उस व्यक्ति ने कुछ पुण्य किया है और उसका हम स्मरण करें। 10 साल हुए उनका शरीर तो हम में नहीं रहा, लेकिन आज के दिन का मकसद ये है कि इस दसवें पुण्यतिथि के निमित्त से हम उनका गुण स्मरण करें। वो दिखते कैसे थे, इसके सारे वर्णन से तो बहुत कुछ अब हमारा रिलेवेंस नहीं रहा, लेकिन वो व्यक्ति कैसे थे, वो जीते कैसे थे, वो करते क्या थे और उसमें से हमारे लिए क्या आज उठाने लायक हो सकता है, सीखने लायक हो सकता है, इसका आज कुछ औचित्य है। व्यक्ति के जाने के बाद उसका स्मरण उनके गुणों को सीखने के लिए हम करते हैं, इसलिए उसको पुण्य स्मरण करते हैं। सर्च में शोधराम में कुछ लोगों ने पिताजी को देखा है। जैसे जैसे काल आगे जा रहा है वैसे वैसे उनको जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है वैसे लोगों की संख्या कम होती जा रही है। ये जीवन का नियम है, निसर्ग नियम है। पिताजी के साथी बहुत कम रहे, शायद कोई भी नहीं रहे उनके समउम्र। उनके बाद की पीढ़ी अब उनका काम संभालती है और शोधराम में आखिरी बार पिताजी आए थे उसको भी अब करीबन 15 साल हो गए हैं, और इसलिए जिन्होंने उनको देखा है ऐसे लोग बहुत कम होंगे। अभी कुछ लोगों ने तो देखा है, इसलिए बहुत संक्षेप में मैं उनकी जीवनी बताऊंगा और फिर उनके गुण स्मरण का कुछ चर्चा करूंगा और आखिर में आज हमारे लिए क्या रिलेवेंस है इसकी मैं चर्चा करूंगा। अमरावती के एक देहात में उनका जन्म हुआ, बहुत गरीब परिवार में। बचपन में स्कूलों में पढ़ते थे तो किताबों में हम पढ़ते हैं कि लोकमान्य तिलक या आगरकर या गोखले, ये म्यूनिसिपैलिटी के दिए में रास्ते के बाजू में म्यूनिसिपैलिटी का जो दिया होता था उसके प्रकाश में पढ़ाई कर करके स्कूलें पास हुई। पिताजी का लिटरली यही हुआ। उनकी जिस बुआ के पास उनको रखा था उसका साल का इनकम, उसके पति मर गए थे, उनका पेंशन उसको मिलता था 8 रुपए का। 8 रुपए के पेंशन में वो उस समय वैसे महंगाई बहुत कम थी, लेकिन वो अपना और अपने इस भतीजे का निर्वाह जलाती थी। तो दिया सिर्फ वो घर में 5 मिनट जलाती थी, 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट का दिया जलता था, बिजली थी नहीं, तेल का दिया, उससे ज्यादा उसके पास पैसे नहीं थे। तो अमरावती के सड़कों पे फुटपाथ पर बैठकर म्यूनिसिपैलिटी के दिए में अभ्यास करके पिताजी की पढ़ाई हुई। इसी तरह से आगे पढ़ते गए, बीए और एमए दोनों में वो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट थे, या इस हद तक कि उनके 5, उस जमाने में जो उनको 5 गोल्ड मेडल्स मिले थे वो यूनिवर्सिटी में 25 सालों तक उसका रिकॉर्ड रहा। जब यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल बढ़ाए तभी उनका रिकॉर्ड तोड़ा जा सका। जमनालाल जी के निमंत्रण पे वो वर्धा आए और गांधी जी द्वारा शुरू किए हुए कॉमर्स कॉलेज में प्रोफेसर बने। बाद में जब 42 का स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने जो कहा है वो थोड़े मैं कहता हूँ कि उनके घर बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी थी, उनके पिताजी पर बहुत कर्जा था। इसलिए जब गांधी जी ने बम्बई में आवाहन किया कि करो या मरो, तो पिताजी पे जिम्मेवारी थी कि अपने परिवार की, अपने पिता का कर्ज चुकाना था, इसलिए अपने प्रोफेसरशिप के वेतन से पिताजी को पैसे भेजते थे। तो उन्होंने कहा है मुझे कि उस दिन मैंने करो या मरो रेडियो पे सुना कि बापू ने ऐसा कॉल दिया है, तो मैंने सोचा कि 1 साल में मैं कर्जा पूरा चुका दूंगा और फिर
फिर रात को नींद नहीं आई, फिर रात को 11 बजे सोचा कि नहीं नहीं एक साल तो बहुत देरी है, इतना मैं नहीं रुक सकता हूँ, एक माह के बाद का मैं रिजिग्नेशन दे दूंगा और फिर आंदोलन में शरीक हो जाऊंगा। और फिर रात को 12 बजे लगा कि एक माह भी मैं नहीं रुक सकता हूँ, उन्होंने वहीं बैठ के अपने प्रोफेसरशिप का इस्तीफा दे दे लिख दिया, वो टेबल पे रख दिया कि अगले दिन प्रिंसिपल को दे दो, और रात को भूमिगत हो गए और 42 के आंदोलन में भूमिगत सत्याग्रही के रूप में उन्होंने काम किया, पकड़े गए, 2.5 साल जेल में रहे। बाद में जब जेल में से छूटे तब शुरू में गांधी जी के मार्गदर्शन में, बाद में विनोबा के मार्गदर्शन में उन्होंने पहले वर्धा जिले के गांव में काम शुरू किया, गांव की समस्या क्या है समझना। और जब विनोबा जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया तो 1953 में पिताजी ने अपना जीवन दान घोषित किया कि इसके आगे की मेरा इसके आगे का मेरा पूरा जीवन ये जो भूदान यज्ञ मूलक अहिंसक क्रांति जिसको सर्वोदय नाम है, इस सर्वोदय के लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ। 1953 में उन्होंने ये विनोबा की उपस्थिति में जीवन दान जाहिर किया और 2013 में उनका देह विसर्जन हुआ। तब तक यानी करीब 60 साल उन्होंने इस व्रत को निभाया। इसमें भूदान आंदोलन में सामान्य कार्यकर्ता के रूप में और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़ के गांव गांव में भूदान पदयात्रा करना और जमीन, जिसके पास जमीन नहीं है उसके लिए जमीन मिलवाना, वहां से लेके बाद में ग्रामदान आंदोलन, उसके बाद में जब इमरजेंसी जाहिर हुई तब वो सरसा संघ के महामंत्री थे, तो इमरजेंसी के पहले जयप्रकाश जी ने जो भूमिका ली थी कि राजनीतिक तानाशाही और भ्रष्टाचार इसके खिलाफ हमको सत्याग्रह राजनीतिक आंदोलन शुरू करना है, पिताजी उसके समर्थक थे, तो सरसा संघ कुछ हद तक विनोबा की सलाह को नजरअंदाज करके जेपी के इस मार्ग पे चले। इसमें मुख्य भूमिका पिताजी की भी थी, जेल में गए इमरजेंसी में और उसके बाद में सरसा संघ के वो पहले महामंत्री थे, फिर अध्यक्ष रहे, फिर मार्गदर्शक रहे। विनोबा और जयप्रकाश जी दोनों ही 1980 और 82 में 2 साल के अंतर से चले गए। उसके बाद के सरसा संघ की जो पीढ़ी थी उन पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी आज पड़ी, गांधी का विचार, विनोबा का कार्यक्रम, जयप्रकाश का सत्याग्रह, अब उसको आगे चलाना, ये तो हरक्यूलियन टास्क थी। उस हरक्यूलियन टास्क को अपने शक्ति भर चलाने की कोशिश पिताजी और उनके सहयोगी जो सरसा संघ के वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत घनिष्ठ मित्रों जैसा उनका मंडल था, उन लोगों ने वो काम करीबन 30 साल चलाया। और फिर धीरे धीरे नई पीढ़ी, चंदन जी जैसे नई पीढ़ियों के हाथ में जिम्मेवारी सौंप के वो निवृत्त हुए। आखिर में करीबन 10 साल वो सेवाग्राम आश्रम में ही रहे, बापू कुटी के ही पड़ोस में महादेव कुटी थी, उसमें पिताजी का निवास था। और जब शरीर बहुत विकलांग हुआ तब आखिरी 3 साल सिर्फ वो घर रहे। मैंने जो पिछले 60 साल में या 70 साल में उनका सबसे लंबा समय घर में रहना देखा, वो जब आखिरी विकलांग हो गए तभी वो घर में रहे। बाकी 60 साल तो माह में 27 दिन वो प्रवास करते थे और शायद 2-3 दिन घर आया करते थे। और जब घर भी आते थे तो स्टेशन से सीधे पहले ऑफिस जाते थे, माह भर के जितना भी पत्राचार हो पत्राचार पहले करते थे और फिर शाम को घर आते थे। तो ये पिताजी की जीवनी रही। उनके कुछ गुणों का मैं जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि अभी जैसा हमने वैष्णव जन तो तेने कही है, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो है मन अभिमान आने रे, गांधी जी का बहुत प्रिय भजन है। अब क्यों प्रिय भजन है? क्योंकि इस ऊंचे आध्यात्मिक विचार को एक संत के जीवन में कैसे वो प्रकट होता है इसका साक्षात वर्णन इस भजन में है, इसलिए गांधी को बहुत प्रिय था।
पिताजी के जीवन में या उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे अद्भुत गुण थे कि मैं कई बार बहुत चकित रहता हूँ कि ये गुण आए कहाँ से। इसलिए कि उनके माँ पिता बहुत ही सामान्य थे। मैंने मेरे दादा दादी को बहुत नज़दीकी से देखा है। दादा चौथी पढ़े हुए थे, एक किसी जमींदार के घर में उस क्लार्क थे। दादी तो अनपढ़ थी और ऐसे घर में पैदा हुआ बच्चा जिसको कोई भी बौद्धिक या वैचारिक या आध्यात्मिक कोई घर में पार्श्वभूमि न हो, वो इस ऊंचाई पे कैसे पहुंचा है, यह मुझे हमेशा आश्चर्य। तो मुझे लगता है ये तो निसर्ग का एक्सीडेंट ही है और उस जमाने का परिणाम है जिस जमाने में वो पड़े। राष्ट्रीय चैलेंज इतना बड़ा था और गांधी जी जैसा एक युग पुरुष खड़ा था। उस छाया में या उस संदर्भ में लोगों ने अपने अपने पर बड़ी बड़ी जिम्मेवारी उठा ली और उसमें से व्यक्तियों का व्यक्तित्व का गठन हुआ। पिताजी के गुणों को अगर मैं गिनाऊं तो बुद्धिमान थे, तो ये तो मुझे कहने की अब जरूरत नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन बुद्धि का कोई भी अहंकार नहीं होना, ये मैंने उनकी विशेषता देखी। मैं जब बच्चा था तब भी उनको चाहे जो सवाल पूछ सकता था, उनसे आर्ग्यू कर सकता था और इतने प्रेम से इतने नम्रता से जवाब देते थे, हर चीज को बहुत मेरे लेवल पे आके समझाते थे। उन्होंने कई बार मुझे ये कहा है कि मेरा आदर्श कौन है, तो होची मिन वियतनाम के स्वतंत्रता सेनानी थे, अध्यक्ष भी थे। तो क्यों, तो होचिमिन की एक आदत ये थी कि वो जब भी कोई भाषण लिखता था, लेख लिखता था, तो देहात में जाके देहात के अनपढ़ किसानों को पढ़ के सुनाता था और अनपढ़ किसानों को जो भी उसमें का शब्द न समझे उसको निकाल देता था। तो पिताजी मानते थे कि भारत के देहातों के किसान और मजदूरों को मेरी भाषा समझनी चाहिए, मुझे उस स्तर पर जाके लिखना और बोलना चाहिए। अपने यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडल्स और प्रोफेसरशिप को पूरी तरह बाजू में रख के उन्होंने अपने आप को डी क्लास कर लिया था। एक गरीब घर में पैदा होने के बाद भी उनको पैसे का कतई मोह नहीं था, ये भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, अभी हमने सुना। अब ये जो कुछ गुण है ये जबरदस्ती से लाए नहीं जा सकते, वो अपने आप ही होते हैं। अमृत ने एक बार जिक्र भी किया है कि पिताजी के जाने के बाद वो आखिरी बार उनके कमरे में उसने प्रवेश किया तो उसका एक इम्प्रेशन उसने हमको बताया है कि पिताजी का सामान क्या था, तो दो खादी के ड्रेस, कुछ किताबें, एक टॉवेल और गीता ही, बस खत्म। इससे ज्यादा कोई उनका सामान ही नहीं था। पूरे जीवन में जब से मैंने देखा है उनको, धोती और कुर्ता खादी का पहनते थे लेकिन कभी उसको टिनोपॉल या नील नहीं था, या कभी उन्होंने अपने कपड़ों को प्रेस तक नहीं किया। और मिलते थे पंत प्रधान से लेके राष्ट्रपति से लेके गांव के बिल्कुल किसान तक। तो जिसको हम भौतिक चकाचौंध कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, परिग्रह कहते हैं, उसका कोई उनको बिल्कुल आसक्ति नहीं थी, बिल्कुल मोह नहीं था। लेकिन समाज के प्रति जिम्मेवारी और कमिटमेंट इतनी ज्यादा कि वो जयप्रकाश नारायण के स्मृति में बनाए गए अमृत कोष के वो संयोजक थे, प्रमुख थे। देश भर से जयप्रकाश नारायण की स्मृति में निधि इकट्ठा किया गया, उसके वो प्रमुख थे। तो जब पूरा निधि इकट्ठा करके वो जब घर आए, उस दिन उनके गले के खादी के शबनम बैग में 1 करोड़ रुपए के चेक, ड्राफ्ट और पैसे थे। और ये 1980 के करीब की बात है, तो आज से 40 साल पहले की बात है। आज का शायद वो 20 करोड़ होगा। 20 करोड़ अपने गले की थैली में लेके वो स्टेशन पे उतरे और स्टेशन से पैदल घर आए।
उसने कहा ये क्या किया। उस समय उनकी उम्र करीबन 65 साल की थी। ये क्यों किया आप, रिक्शा क्यों नहीं किया? तो बोले लोगों ने बड़े विश्वास से 1 करोड़ रुपए दिया है, उसमें से 1 रुपया मैं कैसे खर्च करूं। तो लोगों ने विश्वास से पैसा दिया है तो उसके पाई पाई का इस्तेमाल अच्छे ढंग से होना चाहिए। मैं पैदल आ सकता था, मैं पैदल आया। अब आज ये गुण और ये वर्तन दंत कथा में रहे हैं ऐसे लगेंगे, इस तरह के ये प्रसंग। अभिमान नाम की उनको चीज नहीं थी, निरंकार क्या होता है, प्रसिद्धि का उनको कोई मोह नहीं था, पद का उनको इतना भी मोह नहीं था। जब उनको जेल से छूटे और जब उनको अमेरिका भेज रही थी भारत सरकार, तब अपेक्षा ये थी कि लौटने के बाद में वो इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर थे ही, पीएचडी करके लौटेंगे भारत के अर्थ मंत्रालय में और प्लानिंग कमीशन में एक बड़ी जिम्मेवारी निभाएंगे। और गांधी जी के एक वाक्य पे उन्होंने उसको फाड़ के फेंक दिया। तो बुद्धि लेकिन समाज सेवा, समाज परिवर्तन के प्रति इतनी कमिटमेंट कि जैसे मैंने कहा कि जीवन दान देने के बाद 60 साल तक घर में करीबन रहे ही नहीं, या तो देहातों में रहे या ट्रेन में रहे या जेल में रहे। तो उनके ये सारे गुणों का कुछ तो असर मुझ पर हुआ होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आज अगर आप मुझ में कुछ अगर गुण देखते होंगे तो गांधी और विनोबा के बाद उसका सबसे ज्यादा प्रभाव मुझ पर पिताजी का रहा है। और पिताजी मुझे कभी भाषण नहीं देते थे, किताबें पढ़ना और भाषण, ये तो गांधी जी की किताबें और विनोबा के आप प्रवचन भाषण सुनने का मुझे मौका मिलता था, लेकिन पिताजी के जीवन में मुझे वो देखने मिलता था। और ये सबसे मुश्किल चीज होती है। पंडिताऊ भाषण और सिद्धांत तो बहुत बोलने में आसान है, हमारे देहात में वो चातगांव टोले में जो कीर्तन करता है रात में लाउडस्पीकर में, वो भी एक पौराणिक कथा सुनाई देता है और प्रवचन कर ही देता है, लेकिन हम उसको बिल्कुल ही सम्मान नहीं देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसके जीवन में इसका कुछ भी नहीं है। पिताजी के जीवन में ये सारे जो आध्यात्मिक गुण है वो साक्षात मुझे देखने मिले तो हो सकता है कुछ उसका स्पर्श मुझे लगा होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। आज जो हम उनका स्मरण करते हैं तो इसलिए कि एक व्यक्ति के नाते हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम सर्च में समाज सेवा करते हैं ऐसा दावा करते हैं। जो समाज सेवक होता है उसके सिर्फ शरीर से सेवा की कृति हो ये अधूरा है, क्योंकि उसके शरीर से जो कृति होती है उसका जो कुछ थोड़ा बहुत असर होता होगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा असर जो उसका समाज पे होता है कि वो आदमी कैसा है, वो जीता कैसा है, उसके जीवन में क्या मूल्य प्रकट होते हैं, और सिर्फ बातों ही नहीं आचरण में। तो उस मायने में पिताजी साक्षात आचार्य रहे, जिनका आचरण आचरणीय है हमारे लिए, ऐसे आचार्य रहे। इसलिए आज उनके गुणों का हम जो स्मरण कर रहे हैं इसलिए कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज सेवक के रूप में कुछ उसमें का हम भी ले सकें। आखिर में थोड़ा जिक्र मैं ये करना चाहता हूँ कि सर्च के लिए हमारे लिए उसका रिलेवेंस क्या है। व्यक्तिगत तौर पे तो मैंने कहा, आज देखिए हमने उनके स्मृति में ईशावास्य उपनिषद और वैष्णव जन, यही दो क्यों चुने। आज यहाँ पे उनके फोटो की हमने पूजा नहीं की, हमने प्रतीक के रूप में, एक वैचारिक प्रतीक के रूप में चरखे को सूत और फूल अर्पण किए, इसलिए कि पिताजी जिस सर्वोदय विचार में विश्वास रखते थे और जिसके लिए उन्होंने जिंदगी भर काम किया, ये विचार कोई सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक विचार नहीं है। आर्थिक राजनीतिक विचार तो है ही है कि समाज में समता हो, समाज में बंधुभाव हो,
समाज में सामूहिकता हो, और इसके लिए समाज कैसा हो तो ग्राम स्वराज हो, कृषि गोपालन और ग्रामोद्योग आधारित स्वावलंबी गांव, ये ग्राम स्वराज ये उनका सपना था जो गांधी का दिया हुआ था, विनोबा का पनपाया हुआ था। आज ऐसे दिखता है कि समाज में चारों ओर पैसा, स्पर्धा, सत्ता और हिंसा, चार चीजों की बाढ़ आई है। और व्यक्ति के तौर पे इतना हम पर इन चार चीजों का आक्रमण होते रहता है कि बहुत देर तक हमारे विचार, हमारे मूल्य स्थिर रह पाएंगे या पैर डगमगा जाएंगे, ऐसा संदेह पैदा होने लगता है। इसलिए हमको वैचारिक तौर पे तो गांधी और विनोबा के विचार तक पहुंचना ही चाहिए, नहीं तो सिर्फ समाज सेवा, शरीर से समाज सेवा होगी लेकिन मन में आसक्ति होगी कि मेरा नाम हो जाए, अखबार में मेरा नाम आ जाए, कोई अवार्ड मुझे मिल जाए, कोई पद मुझे मिल जाए, या तो मुझे पैसा ज्यादा मिले, ये सब मानवीय आकांक्षाएं हैं। हम सब सामान्य लोग हैं, ये सब मानवीय विकार और कमजोरियां और आकांक्षाएं हम सबके मन में आ सकती हैं, इससे ऊपर हम कैसे उठें? हम अपने आप को बाजार में बेचने नहीं बैठे और हम गढ़चिले में आए कि हम समाज सेवा करने आए, तो उसके साथ में अगर हमने अपने आप को इन विकारों से मुक्त नहीं किया तो हम समाज सेवक तो छोड़िए, हम दांभिक बन जाएंगे। मुंह से कहेंगे एक, मन में सपने रहेंगे दूसरे। तो आज के समाज में हमको हमारे व्यक्तिगत आचरण के लिए, हमारे व्यक्तिगत सपनों के लिए, हमारे व्यक्तिगत कोशिशों के लिए कुछ आधार चाहिए। वो आधार विचारों से मिलता है, गांधी और विनोबा का जो सर्वोदय का विचार है वो एक आधार देता है। वो आधार कुछ जीवनों से मिलता है, गांधी जी ने एक बार तो कहा ही है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, इससे ऊंचा तो कोई वाक्य नहीं हो सकता है कि मेरा आचरण देखो बस यही मैं मानता हूं। इतना तादात्म्य, इतना अद्वैत विचार और आचार में बड़े मुश्किल से देखने मिलेगा। पिताजी काफी हद तक उस ढंग से उनका अद्वैत था, इसलिए हमारी श्रद्धाएं, हमारी निष्ठाएं उनको बनाए रखने के लिए ये हमारे लिए सब मजबूत आधारभूत होते हैं। लेकिन अंतिम आधार जो होता है वो न व्यक्ति का होता है न विचारधारा का होता है। विचारधारा भी बौद्धिक रूप से तर्क देकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अंतिम आधार जो होता है वो आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक जो विचार होता है या अनुभूति मान्यता होती है उसको बौद्धिक कंफ्यूजन से डगमगाया नहीं जा सकता है। इंटेलेक्ट सर्वे पर ही नहीं है, और इसलिए जब हम ईशावास्यम इदम सर्वम कहते हैं तो सर्वोदय का आधार, आध्यात्मिक आधार क्या है? सर्व उदय, सबका उदय होना चाहिए। सिर्फ गरीब वर्सेस अमीर, स्त्री विरुद्ध पुरुष, ब्राह्मण विरुद्ध दलित, ये विभाजन नहीं चाहिए। हिंदू विरुद्ध मुस्लिम, ये द्वेष नहीं चाहिए। भारत विरुद्ध चीन और भारत विरुद्ध पाकिस्तान, ये भी नहीं चाहिए। ये तात्कालिक विकार मन में आते हैं, घटनाएं घटती है तब आदमी को जोश भी आ जाता है, लेकिन ये सब तात्कालिक है, ये विकार है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इस विश्व में हर जगह ईश्वर निवास करता है, तो पाकिस्तान में भी करता है, वो चीन में भी करता है, उनका भी वैसे मैं द्वेष कैसे कर सकता हूं? तो इसलिए ये जो आध्यात्मिक विचार है भारत के उपनिषद का, ईशावास्यम इदम सर्वम, वो आध्यात्मिक आधार, और उस आध्यात्मिक आधार पर आधारित सर्वोदय ये विचारधारा, और उस विचारधारा पर जीने वाले व्यक्ति, ऐसी हमारे लिए ये इसका रिलेवेंस है। जो गांधी जी का और विनोबा का ग्राम स्वराज का विचार था, जिसके लिए पिताजी ने जीवन भर कार्य किया,
समाज बदलते जा रहा है, संदर्भ बदलते जा रहे हैं, ग्राम बिखरे जा रहे हैं, गांव में से सभी युवा आजकल शहरों में नौकरी पढ़ने के लिए भी और नौकरी के लिए भी शहरों में चले जाते हैं। यहाँ तक कि गढ़चुली के गांव में, आदिवासी गांव में हम देखते हैं कि हर गांव में से 10-15 युवा बाहर नौकरी के लिए गए हैं। गांव कमजोर है, भूखे हैं, वंचित है, और उसमें भी जो भी कुछ थोड़ा तेज होगा और नौजवानी होगी वो भी शहरों में चली जा रही है, गांव तो बिखरे जा रहे हैं। और इकोनॉमी ग्लोबल हो रही है तो उसमें गांव स्वावलंबी होना मुश्किल दिख रहा है। और लोक संख्या दिन ब दिन गाँव की भारत में कम हो रही। एक जमाना था, गांधी जी के किताब में उल्लेख आता है, 90% भारतीय लोकसंख्या गाँव में रहती है, अब वो शायद 65% गाँव में रहती है, और महाराष्ट्र की तो 50% गाँव में रहती है, और तमिलनाडु की 45% गाँव में रहती है। धीरे धीरे गाँव की जनसंख्या कम हो रही है। तो सवाल ऐसा है कि गाँव जब ऐसे बिखरे जा रहे हैं तो ग्राम स्वराज्य के विचार का आज के संदर्भ में हम क्या अर्थ लगाएंगे? तो मैं जहां तक सोच पाता हूं कि अगर हमको गांधी, विनोबा, जयप्रकाश और पिताजी जैसे उनके सहयोगी, इन सब की वैचारिक लीगेसी को अगर हमको आगे ले जाना है तो ग्राम का अर्थ हमको लगाना पड़ेगा समूह। वो समूह गांव ही होगा या आवश्यक नहीं है, वो शहर का भी हो सकता है, मोहल्ले का भी हो सकता है, वो सर्च और शोधराम जैसे कार्यकर्ताओं का भी समूह हो सकता है, वो मुक्तिपथ के गांव संगठन जो है गांव गांव में वो भी एक समूह हो सकता है। गांव का अर्थ हुआ समूह। समूह इसलिए महत्व का है कि मैं, मेरा, ये मेरे संकुचित विचार से थोड़ा मैं व्यापक होता हूँ और समूह बनता हूँ। तो आज दुनिया में एक तो विश्व है, ग्लोबल है या इंडिविजुअल है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल जाता है इंसान के लिए। पूरा ग्लोब तो मेरे हाथों में आता नहीं है और मैं सिर्फ मेरे ही मुंह में पड़ता हूँ तो मैं अहंकारी होता हूँ, स्वार्थी हो जाता हूँ। तो मेरे और विश्व के बीच में मुझे एक छोटी और एक कड़ी चाहिए, वो कड़ी है समूह। समूह के बगैर इंसान के मन को समाधान नहीं मिलता है। वो समूह परिवार हो सकता है लेकिन परिवार के साथ बहुत आसक्ति हो जाती है। इसलिए गांव ये समूह जो गांधी जी ने माना कि गांव ये समूह, उसमें मैं और मेरेपन से मुक्ति पाता हूँ, व्यापक होता हूँ। लेकिन गांव अगर नहीं रहेंगे तो गांव की जगह हमको समूह को स्थान देना पड़ेगा कि मैं नहीं, मेरा नहीं, समूह का, इसमें व्यापकता है। और स्वराज का मतलब कि उस आत्मानुशासन हो, स्वानुशासन हो। तो ग्राम स्वराज इस विचार को हमको नए ढंग में आज के रूप में कैसे कार्यक्रम होंगे इस पे सोचना पड़ेगा। निर्माण के एक युवा ने इसी जगह बैठे हुए जहाँ पे आज हम बैठे हैं, पिताजी का एक भाषण हुआ था निर्माण के युवाओं के सामने, ये पहली दूसरी बैच होगी, 1905-6 के दरमियान की बात है। तो एक युवा था, थोड़ा ज्यादा बातों नहीं था, तो उसने जाकर पिताजी को कहा, पिताजी मुझे आपको आपसे चर्चा करनी है, बोलो। तब उसको थोड़ा अपने बुद्धि बौद्धिकता दिखाने का शौक था, तो उसने कहा कि देखिए, गांधी जी ने 1942 में जो ब्रिटिशों के खिलाफ सत्याग्रह छेड़ा, क्या ये सही था? जब ब्रिटिश जर्मन से लड़ रहे थे, हिटलर से लड़ रहे थे, वैसा सत्याग्रह छेड़ना क्या सही था? क्या आपको क्या लगता है? पिताजी ने उसको ऊपर से नीचे देखा और कहा कि देखो, गांधी जी तो गए और विनोबा भी गए और जल्दी मैं भी चला जाऊंगा। तो सवाल गांधी जी ने क्या किया इसका सवाल ही नहीं है, सवाल है तुम क्या करोगे, तुम क्या करने वाले हो। तो हमारे सामने सवाल ये है, ये सब लोग तो गए, हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और हम क्या बनने वाले हैं, टू बी। तो आज पिताजी के 10वें पुण्य स्मरण के निमित्त से
उनका चरित्र, उनका चारित्र और उनके निमित्त से कुछ गांधी, विनोबा, इनके विचार और मूल्य, इनका हम स्मरण करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे काम में ये प्रकट हो।